अगर किसी पर मांगलिक दोष है और उस मांगलिक दोष की वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए बजरंग बली का कौन सा रामबाण उपाय करें। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय बिना हनुमान मंदिर जाए सफल नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो रामबाण उपाय मांगलिक दोष, शादी नहीं हो पा रही। पंडित जी क्या देखो, पहले ही मैंने आपको बताया ना कि मंगल को नियंत्रित करने वाले देवता अगर कोई हैं तो हनुमान जी हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया। फिर कहना चाहूँगा कि मांगलिक दोष के कारण विवाह में अगर देरी हो रही है, मांगलिक दोष क्या है भैया? लगने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। अर्थात जन्म कुंडली में लग्न में चौथे सातवें आठवें और बारहवें स्थान में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक की पत्नी या पति मांगलिक न हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। लेकिन ये विचार चंद्र कुंडली से भी करना चाहिए। चंद्रमा के साथ मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से चौथे स्थान में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से सातवें स्थान में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से आठवें स्थान में मंगल हो तब भी मंगलिक दोष होता है, चंद्रमा से बारहवें घर में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है। लेकिन इस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या नीच राशि कर्क राशि का मंगल हो या मंगल अस्त हो तो मंगली दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। तो शादी की बात अगर बनते बनते बिगड़ रही है, बार बार चोट चपेट दुर्घटना हो रही है, बिजली से आग से विस्फोटक से यदि आपको ग्रह है और आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल जरूर चढ़ाना चाहिए और अगर हो सके तो चमेली के तेल में पीले सिंदूर का लेप बना करके पुजारी से कह के हनुमान प्रतिमा पर लेप करवाना चाहिए। ये उपाय कम से कम 7 मंगलवार कराना चाहिए। हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का 10-10 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल रंग का हो सके तो आप पत्थर अगर लगवा सकते हैं, आपका सामर्थ्य है तो फर्श पर आप लाल रंग के ग्रेनाइट पत्थर लगवा दीजिए, इससे आपका महल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर रोज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो आपकी दो पहचान तो जरूर होनी चाहिए। एक तो आपके माथे पर लाल चंदन का तिलक होना चाहिए या सिंदूर का तिलक होना चाहिए, और दूसरा मंगलवार को चाहे आप शादीशुदा हैं आपका जीवन ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। बड़े से बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जब भगवान राम ने रावण को मारा था, आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से जब मिलते हैं तभी मन रूपी रावण का वध होता है। इस बात का सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से जब मिलते हैं तो मन रूपी रावण का वध होता है। 10 इंद्रियों से संयुक्त हमारा मन ही रावण है, कहते हैं रावण के 10 मुख थे। तो ये 10 इंद्रियों से संयुक्त हमारा मन ये रावण है। बुराई के मार्ग पर, वासना के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर इंद्रियों के वशीभूत होकर के ये चला जाता है, जिससे व्यक्ति का पतन होता है। अगर आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान का सानिध्य प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से ये रावण रूपी मन पर काबू पाया जा सकता है और जीवन सफल हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, संसार और सृष्टि को चलाने के लिए काम भी आवश्यक है, लेकिन यथासंभव ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान और आत्मा रूपी राम का मिलन होना चाहिए। जय मां बिंदी वासुदेव।